में बेटा? अच्छा, फोर्थ तो ऐसा करता हूँ, लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर वन. मुझे लगता है प्रॉब्लम नंबर वन मुझे बतानी चाहिए, राइट? फाइन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ग्रेटेस्ट. बेटा सारे बच्चे आराम से सुने, जहां दिक्कत हो. साइन ऑफ सिग्नम एक्स ओवर सिग्नम एक्स, फाइंड दिस लिमिट. लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ सिग्नम एक्स ओवर सिग्नम एक्स, राइट? बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, एंड यू नो दैट सिग्नम फंक्शन इज आल्सो समवेयर कनेक्टेड विद मोड. सिग्नम एक्स बेटा होता है मोड एक्स ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो. व्हाट आई मीन टू टेल यू, आई शुड फाइंड एल एच एन आर एच एल. एल एच एल टू मीन एक्स टेंड टू जीरो माइनस साइन ऑफ सिग्नम एक्स ओवर सिग्नम एक्स, राइट? अब आप बेटा चेक करो, एक्स टेंड टू जीरो माइनस है. समबडी कैन रिप्लाई मी, समबडी कैन रिप्लाई मी, व्हाट इज सिग्नम एक्स? एनीवन इन द क्लास? एनीवन इन द क्लास? बेटा एक्स अगर आपका जीरो टेंड करे जीरो माइनस, तो सिग्नम एक्स विल बी माइनस वन. सिग्नम एक्स इज माइनस वन, राइट? तो इन दैट केस दिस एक्सप्रेशन विल बिकम लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस साइन ऑफ सिग्नम एक्स इज माइनस वन. इट इज साइन माइनस वन ओवर माइनस वन, राइट? इट इज लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस. बेटा साइन माइनस थीटा कितना होता है? यू नो, माइनस साइन थीटा ओवर नेगेटिव नेगेटिव आई कैन कैंसिल, सो इट विल बिकम साइन वन. कोई बच्चा मुझे रिप्लाई कर सकता है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन वन? एनीवन इन द क्लास? व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सिग्नम एक्स? साइन एक्स, साइन वन. बेटा रिप्लाई करो. देखो साइन वन का मतलब हुआ साइन अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री. साइन वन बेटा लाई करेगा 0 1 के बीच में, तो इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0. लेट अस फाइंड आरएचएल. आरएचएल टू मीन एक्स टेंड टू 0 प्लस साइन ऑफ सिग्नम एक्स ओवर सिग्नम एक्स, राइट? अब आप चेक करें, एक्स टेंड टू 0 प्लस, तो सिग्नम एक्स इक्वल टू बेटा कितना होगा? 1. सो दिस विल बिकम बेटा, क्योंकि इट विल बिकम कांस्टेंट, साइन 1 ओवर 1 अगेन इट विल बिकम 0. तो बेटा क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, तो लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0. गौरव नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलो पहले अपनी प्रॉब्लम पूछो, प्रॉब्लम नंबर 4. गौरव बता दो, थर्ड भी बता. गुड बेटा, जहां दिक्कत हो बिल्कुल पूछिए आप. क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान नहीं है, गुड प्रॉब्लम. देखिए बच्चे, थर्ड, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसेकेंट पाई एक्स बाय 2 होल पावर 1 ओवर 1 माइनस एक्स. बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसेकेंट पाई एक्स बाय 2 1 ओवर 1 माइनस एक्स. बेटा ये सिंबल किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का. अब आप चेक करें, लेट अस ट्राई टू फाइंड एल एच एल देन आर एच एल, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, एक्स टेंड टू 1 माइनस. बेटा इसको जल्दी नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर और मोड का हो, प्लीज डोंट डू इन हरी, स्पेंड योर टाइम. लेट एक्स इक्वल टू नवीन 1 माइनस एच, वेयर एच टेंड टू 0 प्लस. आप इसको टेंड टू 0 बनाएंगे तो इट विल मेक थिंग वेरी सिंपल. इट विल बिकम बेटा कोसेकेंट पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस एच. ये बेटा बन जाएगा 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एच, एच. नाउ कोसेकेंट 90, चेक करो बच्चे, माइनस थीटा इज व्हाट? सीकेंट थीटा.
नवीन यहां तक समझ में आया बेटा? पहले तो ये बताओ। यस सर। अच्छा अब आप चेक करो बेटा, एच अगर आपका जीरो प्लस को टेन कर रहा है, देखो सीकेंट जीरो की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं सीकेंट जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? वन। सीकेंट जीरो रेसिप्रोकल ऑफ को जीरो वन, राइट? यू वेल अवेयर सीकेंट एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू माइनस वन और ग्रेटर देन इक्वल टू वन, राइट? तो आप चेक करो, अगर एच टेन टू जीरो प्लस है, राइट, जीरो प्लस है, तो पाई बाय टू एच भी आपका टेन टू जीरो प्लस होगा। देखो कोई नंबर बहुत स्मॉल है तो पाई बाय टू से मल्टीप्लाई करो। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा सीकेंट की वैल्यू, एनीवन इन द क्लास, सीकेंट पाई एच बाय टू क्या होगा, वन से ग्रेटर होगा वन से लेस होगा? एनीवन? बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, एच पाई एच बाय टू, इसका ये मतलब हुआ ये स्लाइटली ग्रेटर देन वन होगा, राइट? बेटा अगर मैं लो ये वैल्यू एंगल आपका यहाँ में लेके चलूं, राइट, सीकेंट ऑफ दिस एंगल ये आपका स्लाइटली ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सीकेंट पाई एच बाय टू ये आपका वन। नवीन पहले यहाँ तक बताओ, समझ में आया आपको? यस नो में रिप्लाई करो। इस बच्चे ने ज्वाइन किया है अभी, मेरे को जरा बताया अटेंडेंस को अपडेट कर दूं मैं। वे ज्वाइन जस्ट, देखिए नवीन अब मेरे को ये बताओ, ये आपका नंबर कितना बन गया, ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर? हाँ जी कितना बन गया ये बेटा? बन गया वन, राइट? अब आपका एच टेन टू जीरो प्लस है, देखो आपको ऐसा लग रहा होगा एच टेन टू जीरो प्लस, तो वन बाई एच टेन टू क्या होगा बेटा? प्लस इंफिनिटी, इट विल बी प्लस इंफिनिटी। गौरव क्या लिमिट आनी चाहिए अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, एनीवन इन द क्लास? गौरव बेटा रिप्लाई किया करो। बेटा अगर आपका एच टेन टू जीरो प्लस है तो सी के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सीकेंट पाई एच बाई टू आपका वन है। मैं जहां तक नवीन ये समझता हूं, इसको हम ऐसा करेंगे एच टेन टू जीरो प्लस है क्योंकि ये फॉर्म आपकी, हाँ बताओ, ये वन पावर इनफिनिटी फॉर्म बन रही है। नहीं दिक्कत पता, यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सर ये वन पावर इनफिनिटी फॉर्म है, तो वन पावर इनफिनिटी फॉर्म है तो बेटा ये आपकी, ये एक्चुअली ऐसे बनी लिमिट है। आप देखो बेटा कंसेप्ट समझो, पहले बताओ ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा, बस मुझे इतना बताओ बेटा। ये तो ऑलवेज वन हो गया, सीकेंट पाई एच बाई टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन। यहाँ जो कंसेप्ट लगेगा वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, एच टेन टू जीरो प्लस है, एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, वन बाई एच इज सम रियल। बेटा जरा समझना, अगर ये फॉर्म होती ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, लिमिट एक्स टेन टू जीरो वन प्लस साइन एक्स पावर वन बाई एक्स, जरा गौर करना बच्चे, ये फॉर्म आपकी वन पावर इंफिनिटी है, तो अगर आपको मैं ये बोलूं ये लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेन टू वन एफ एक्स इंटू कितना आपका जी एक्स, तो इट विल बिकम साइन एक्स इंटू वन बाई एक्स, साइन एक्स ओवर एक्स के लिमिट वन, तो आंसर क्या आ गया, ई पावर वन। बट ये आपका वेरिएबल हमें वन प्लस साइन एक्स डिपेंड्स अपॉन एक्स, ये बेटा सिंपल वन ही है, ड्यू टू दिस वन वी नीड टू अप्लाई कंसेप्ट ऑफ लिमिट, राइट? एच टेन टू जीरो प्लस एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, वन बाई एच इज सम रियल, तो ये आपका आंसर वन आएगा। कोई बच्चा रिप्लाई करना चाहे, कुछ और बताना चाहे तो बता सकता है। गौरव मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पर फंक्शन होता तो आई कुड अप्लाई वन प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स, क्योंकि ये आपकी वैल्यू एग्जैक्टली वन ही बन रही है, राइट? तो यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे वन बाई एच इज सम रियल, वन पावर एनी रियल ऑलवेज कितना होगा वन। नवीन समझ में आया बेटा? यस सर।
अच्छा अगर आप इसमें आर एच एल निकालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सोच के देखो, देर विल नॉट बी एनी चेंज, क्यों? आर एच एल में सेम काइंड ऑफ थिंग यू विल अप्लाई, कैसे? क्योंकि जब आप एक्स को 1+h करोगे, कोसेकेंट 90+थीटा, सेम थिंग यू विल गेट, तो आंसर आपका 1 आएगा. तो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज नथिंग बट 1. आंसर चेक कर लो जरा एक बार इसका. ध्यानचंद्र बेटा ड्रेस अपनी चेक करवाओ. ध्यानचंद्र पता नहीं, वो बोल गया, भूल गया था. कल आपने ड्रेस में बैठना है, जो बच्चा भूल गया आज, राइट? कल बाकी बच्चे ड्रेस में नहीं बैठेंगे, आप ड्रेस में बैठेंगे. बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए क्विकली. फोर्थ करो, पता नहीं है. फाइन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, राइट? ए पावर अंडर, दिस इज गुड प्रॉब्लम, ए पावर रूट एक्स माइनस ए पावर 1/√x, ए पावर रूट एक्स प्लस ए पावर 1/√x, राइट? ए ग्रेटर देन क्या दे रखा है बेटा? 1. ए इज ग्रेटर देन 1. अब आप चेक करें हाउ टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. देखे बच्चे, सबसे पहला काम तो यहाँ रूट एक्स है, यहाँ रूट एक्स है, तो मैं रूट एक्स को थोड़ा सिंपल करना चाहूंगा. लेट रूट एक्स को टी ले लिया बेटा, तो एक्स आपका बन गया टी स्क्वायर. एक्स अगर जीरो को टेंड करेगा बेटा, टी भी जीरो को टेंड करेगा, तो दिस लिमिट विल बिकम टी टेंड टू जीरो ए पावर टी माइनस, सॉरी दिस इज a पावर t माइनस a पावर 1/t ओवर a पावर t प्लस a पावर 1/t, राइट? अब आप क्या करना चाहेंगे, दैट आई नीड टू चेक. इसको बेटा मैं a t पावर 0 है ना, 1/0, अच्छा डिवाइडिंग बाय बेटा a पावर t 1/t. बेटा मैंने इसको कॉमन ले लिया या डिवाइड कर लिया, तो इट विल बिकम ए पावर टी माइनस 1/t-1 ओवर ए पावर टी प्लस 1/t+1. चेक करो बच्चे, नवीन आप चेक करो, टी बेटा टेन टू जीरो है, 1/t विल टेन टू इंफिनिटी, राइट? इसके ना आप दो पार्ट करो बच्चे, इसके दो पार्ट ये करो, a पावर t a पावर -1/t -1, a पावर t a पावर 1/-, आई वुड से बेटा ये माइनस आएगा, -1/t+1. अब देखिए t जीरो को टेंड कर रहा है, 1/t विल टेंड टू इंफिनिटी, राइट? तो -1/t विल टेंड टू -∞. अब a बेटा हमें 1 से ग्रेटर दे रखा है, कोई नंबर 1 से ग्रेटर है उसकी माइनस इंफिनिटी पावर क्या होगी बेटा? 0 होगी या नहीं होगी, राइट? ए पावर 0 1 इंटू 0 माइनस 1 ओवर 1 इंटू 0 प्लस 1, तो आंसर कितना आएगा? माइनस. बेटा आंसर चेक कर लेना इसका. नवीन बेटा रिप्लाई किया करो तुरंत, बेटा इसमें हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पर आपका बेटा रूट टी है, यहाँ पर आपका रूट एक्स है, तो हमने रूट एक्स को टी ले लिया, अदरवाइज में हम वैसे भी कर सकते थे, राइट? तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स अगर आपका जीरो को टेंड करेगा तो टी स्क्वायर जीरो को टेंड करेगा, तो टी विल टेंड टू कितना आपका? 0, राइट? अब इसके बाद देखिए, देखो अब t will tend to 0, तो what I have done here बेटा, देखो, फिर आपने इसके बाद क्या किया? आपने ये किया, root x को बेटा आपने t put करके t tend to 0, it will become a power t minus a power 1/t, a power t plus a power 1/t, आपने क्या किया बच्चे? a power 1/t से divide कर दिया,
So it will become a power t minus 1 by t minus 1, a power t minus 1 by t plus 1. इसके बेटा मैंने दो पार्ट कर लिए. बेटा t 0 को tan कर रहा है तो 1 by t will tan to infinity, right? Minus 1 by t will tan to minus infinity. a greater than 1 है. कोई नंबर अगर 1 से बड़ा हो तो इसकी इनफाइनाइट माइनस इनफिनिटी पावर करे तो आंसर 0. ये बेटा 0, ये आपका 0. A power 0, ये 1, 1. तो 0 minus 1, 0 plus 1, तो आंसर minus. Next problem, quickly आइए. Next problem बताओ बेटा, फटाफट. 15. चलो पहले आपकी मैं problem कर लेता हूँ. हाँ बोलो बोलो. Six. बेटा six problem ये है. Find limit x tend to minus 1. Right, 1 by under root mod x minus fractional part of minus x. Beta limit x tend to minus 1, 1 by under root mod x minus fractional part of minus x. Right, अब आप क्या करेंगे? Let us see. देखो यहां पर बेटा modulus function given है. Fractional part given है, तो इसका मतलब we need to find LHL and RHL separately. X tend to minus 1 minus 1 over under root mod x minus fractional part of minus x. इतना क्या तरीका है? Put x equal to minus 1 minus h, where h tend to 0 plus. पहली चीज तो देखो, x अगर आपका माइनस वन से छोटा है नवीन, तो x आपका नेगेटिव है ना, x आपका क्या है? नेगेटिव. तो मोड x तो कितना बनेगा आपका? माइनस x. आपका यहां तक आपका बन चुका है. चलिए अब आपने क्या किया, पुट x इक्वल टू माइनस वन माइनस h. मैं फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x का अलग से निकाल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. माइनस ऑफ माइनस वन माइनस एच, ये बेटा बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन प्लस एच. नवीन चेक कर बेटा, राइट? सोचिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन प्लस एच इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच, और एच आपका वेरी स्मॉल है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? सेम, स्मॉल पॉजिटिव है. ये बेटा बन गया लिमिट एच टेंड टू जीरो प्लस, ये बेटा बन गया माइनस वन माइनस माइनस ऑफ बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स. कितना बन गया आपका? ये बन गया एच, राइट? अब आप क्या करेंगे, एच को बेटा जीरो पुट करो, ये जीरो, तो आंसर कितना आ गया? वन. तो इस फंक्शन की एलएचएल आ गई वन. लेट अस फाइंड इट्स आरएचएल. लेट अस फाइंड इट्स आरएचएल. आरएचएल का मतलब बेटा होगा x tend to minus 1 plus 1 by under root mod x minus fractional part of minus x. बेटा चेक करो, x tend to minus 1 plus, बेटा minus 1 से जस्ट छोटा हो या जस्ट बड़ा हो, in both the cases x will be negative. पहला काम तो बेटा मैं ये करता हूँ, mod x को लिखूंगा minus x, right? क्या करें बेटे, पुट x x इक्वल टू माइनस वन प्लस h, h टेंड टू जीरो प्लस, इट इज लिमिट h टेंड टू जीरो प्लस वन बाय माइनस ऑफ माइनस वन प्लस h. मैं क्या करता हूँ, माइनस x का बेटा फ्रैक्शनल पार्ट अलग से सोल्व करता हूँ, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट. ये बेटा बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस एच. कोई बच्चा मुझे बताएगा, 1 में से जस्ट घटाओगे? एनीवन इन द क्लास, बेटा 1 में से हमने 0.001 घटाया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? यही तो होगा. नवीन बात समझ में आ रही है बेटा? 0.9999 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? सेम. तो आपका ये बेटा बन जाएगा 1 माइनस एच. सो इट इज लिमिट एच टेन टू जीरो प्लस. बेटा कंसेप्ट अपने लगाओ, ये बन गया वन माइनस एच माइनस वन प्लस एच,
ये आपका कैंसिल, ये टेन टू इन्फिनिटी, चेक करना बेटा आंसर जरा। इसका जो आंसर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट, चेक करो बेटा कौन सी प्रॉब्लम है। सही है सर। क्या आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है या डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप सुनिए मेरी बात, अगर आपकी ये लिमिट भी इन्फिनिटी आती है, एक मिनट देखो, ये लिमिट भी इन्फिनिटी आती ना, मान लो एल एच एल इन्फिनिटी आर एच एल इन्फिनिटी, तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, बट यहाँ पर आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। नवीन दिमाग चल गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रो क्विकली नेक्स्ट पूछिए। 15 15 बेटा एक ही प्रॉब्लम, हाँ 15 बता रहे बेटा, ये प्रॉब्लम नंबर 15। इफ बेटा 15 में आपको बता रहा हूँ, दिस इज गुड प्रॉब्लम। देखिए सी प्रॉब्लम नंबर 15, इफ लिमिट एक्सटेंड टू माइनस टू माइनस ए इंटू ई पावर वन ओवर मोड एक्स प्लस टू माइनस वन ओवर टू माइनस ई पावर वन बाय मोड एक्स प्लस टू इक्वल टू है लिमिट एक्सटेंड टू माइनस टू प्लस साइन ऑफ x पावर 4 माइनस 16 ओवर x 5 प्लस कितना आपका 32, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। नाउ समबडी रिप्लाई मी हु जस्ट जॉइन द क्लास, किस बच्चे ने ज्वाइन किया अभी क्लास? गौरव जी नमस्कार बेटा, लिमिट एक्सटेंड टू माइनस टू माइनस ए इंटू दिस, बेटा दिस लिमिट इक्वल टू दिस लिमिट है, ये आपकी एल एच एल इस फंक्शन के लिए एंड दिस इज आर एच एल फॉर दिस फंक्शन, राइट। अब हम क्या करेंगे, लेट अस सॉल्व बोथ द लिमिट सेपरेटली। लेफ्ट हैंड साइड के लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू माइनस एच, इसमें बेटा आपने थोड़ी सी भी जल्दी की आंसर हमेशा गलत आएगा, एच टेंड टू जीरो प्लस, मैं ब्लू पेन से यहां लिख रहा हूं पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस एच वेयर एच टेंड टू जीरो प्लस, तो ये बेटा क्या बन गया, लिमिट एच टेंड टू जीरो प्लस ए ई पावर, देखो माइनस टू माइनस एच प्लस टू इट इज मोड माइनस एच माइनस वन। बेटा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है, आर एच एल पे आइए, लिमिट एच टेन टू जीरो प्लस। बेटा वैसे आप ये बताओ राइट हैंड साइड पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ना मोड फंक्शन है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आप समझते हैं लिमिट आई कैन टेक इनसाइड, अगर मैं इसको इनसाइड ले जाता तो ये आपका कितना बनता बच्चे, ये आपका बन जाता x पावर 4 माइनस 16। कोई बच्चा मुझे बताएगा ये फॉर्म क्या है गौरव? इस फॉर्म में 0 बाय 0, इस फॉर्म में 0 बाय 0, अगर ये फॉर्म 0 बाय 0 तो यू कैन अप्लाई एल एच रूल, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंड टू माइनस 2 प्लस, ये बेटा बन गया 4x क्यूब, दिस इज 5 इंटू x पावर 4, ये बन जाएगा 4 इंटू माइनस 8 5 इंटू 16 ये 32 माइनस कितना आपका 2 बाय 5। राइट हैंड साइड पे क्या बन गई, राइट हैंड साइड वाली लिमिट बन गई बेटा साइन ऑफ माइनस 2 बाय 5। अब ये देखो बेटा मोड माइनस एच क्या होगा, इट इज मोड एच, एच पॉजिटिव है तो मोड एच इज एच, तो ये बेटा बन गया लिमिट एच टेंड टू जीरो प्लस ए इंटू ई पावर वन बाई एच माइनस वन टू माइनस ई पावर वन बाई कितना बोलो एच। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुनिएगा,
एच टेन टू जीरो प्लस है बेटा, वन बाई एच विल टेन टू प्लस इंफिनिटी, तो e की पावर वन बाई एच विल टेन टू इंफिनिटी। अब आप इसको डिवाइड करो e पावर वन बाई एच से बच्चे, अगर आपने इसको e की पावर वन बाई एच से डिवाइड किया तो ये आपका बेटा बन जाएगा, राइट हैंड साइड है माइनस साइन टू बाई फाइव। अब सुनिएगा, e पावर वन बाई एच टेन टू इंफिनिटी है तो e पावर माइनस वन बाई एच विल टेन टू कितना आपका जीरो, तो ये बेटा बन गया a माइनस जीरो, जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस साइन ऑफ टू बाई फाइव। नेगेटिव कैंसिल करो तो a इक्वल टू कितना आपका साइन ऑफ टू बाई फाइव, ये आंसर। चेक कर बेटा आंसर नवीन, बेटा आंसर चेक करके बताओ, फटाफट बता दिया, पहले देख लिया करो, यही होगा आंसर। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 है बेटा, रिपीट कर दो सर, रिपीट कर दो, चलो रिपीट, देखो आराम से, कोई बात। देखो बेटा ऐसा कहना ये चाह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है इस पूरे फंक्शन की माइनस टू पे एल एच एल और इस फंक्शन की माइनस टू पे आर एच एल इक्वल है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बेटा मैं क्या करना चाहूंगा, वैसे तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट वेरिएबल लेना चाहिए, इसको लिया एक्स पुट एक्स इक्वल। देखो व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग एल एच एल आर एच एल तो जल्दी कभी नहीं करनी है, आराम से करें आप इसको। एक्स को माइनस टू माइनस एच पुट किया, अरे यहाँ पर माइनस टू माइनस एच प्लस टू इट बिकम्स माइनस एच, माइनस एच का मोड क्या होता है, जो एच का मोड होता है, एच स्मॉल पॉजिटिव है तो मोड एच कितना होगा एच, ई पावर वन बाई एच माइनस वन, टू माइनस ई पावर वन बाई एच। अब बेटा क्या करना है, एच टेन टू जीरो है, जीरो प्लस सॉरी, एच टेन टू जीरो प्लस तो वन बाई एच विल टेन टू प्लस इंफिनिटी, तो ई पावर वन बाई एच विल टेन टू ई इंफिनिटी, ई पावर माइनस वन बाई एच, ये आपका जीरो होगा। इसको बेटा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e पावर 1 बाई h, तो a माइनस e पावर माइनस 1 बाई h ओवर 2 माइनस e, 2 इनटू e पावर, ये बेटा जीरो, ये आपका जीरो, ये बन गया माइनस a। बेटा राइट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन टेक लिमिट इनसाइड, पुट करने की भी जरूरत नहीं है, लिमिट को मैं अंदर ले गया, ये लिमिट बन गई। बेटा मॉडुलस फंक्शन नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, तो आप सिंपल वे में ट्रीट करो इसको, राइट ये आपकी फॉर्म जीरो बाई जीरो है, अप्लाइंग एल एच रूल ये आपके बन गया फोर एक्स क्यूब, ये बन गया फाइव एक्स फोर, जहां फ्री हो जाए पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू, मुझे समझ में आ गया। तो जो अंदर वाला पार्ट है लिमिट के बाद, ये पार्ट आपका क्या बन गया, दिस पार्ट बिकम्स माइनस टू बाई फाइव, लेफ्ट हैंड साइड बना माइनस है, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल ही हो। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्विकली बेटा जल्दी किया करो, 16 लिमिट x टेंड्स टू 1 बेटा, 1 माइनस x, 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x 3, ये बेटा 1 माइनस x पावर 2n। बेटा राइट न्यूमरेटर कंटेन 2n फैक्टर्स, डिनोमिनेटर में बेटा आ रहा है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स पावर एन होल स्क्वायर। कोई बच्चा मुझे बता सकता है हाउ मेनी फैक्टर्स आर गिवन इन न्यूमरेटर, बेटा दीज आर 2n फैक्टर्स, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 2n, इस मल्टीप्लीकेशन में बेटा n फैक्टर्स हैं बट ऊपर 2 पावर 2 है, तो यहाँ पर भी क्या बन गया बेटा 2n फैक्टर। अब चेक करो ये फॉर्म आपकी क्या है, 0 बाय 0। बेटा ये प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, इजी प्रॉब्लम है, देखो हम इसको कैसे करते हैं। बेटा मैंने क्या कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स पावर 2n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बताता हूं मैं क्या करना चाह रहा हूं बच्चे,
बेटा न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर को डिवाइड किया, ईच फैक्टर को 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर लिया। तो मैंने बेटा 1 माइनस एक्स कितनी बार हमने मल्टीप्लाइड किया, यहां से लेकर यहां तक 2n टाइम्स, सॉरी 2n। अब आप 2x 1 माइनस एक्स पावर 2n से जब डिवाइड करेंगे, स्क्वायर ये रहा, तो ये बेटा अंदर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पावर एन ओवर 1 माइनस एक्स। नवीन पहले तो ये बताओ समझ में आ गया बेटा, ये वाले आपके कितने फैक्टर्स हैं, ये 2n फैक्टर्स हैं, 1 माइनस एक्स इज कमिंग n टाइम्स, ऊपर पावर 2 है, तो पावर क्या बन जाएगी 2n। अब हर एक फैक्टर से बेटा नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा x माइनस वन ओवर x माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर x माइनस वन, x पावर 2n माइनस वन ओवर x माइनस वन ओवर। देखो बच्चे, ओवर की हम बात करें x माइनस वन ओवर x माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, एक्स एन माइनस वन ओवर एक्स माइनस। अब आपको बेटा ये रिजल्ट मालूम है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ये बेटा रिजल्ट होता है एन इंटू ए पावर एन माइनस वन। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, देखो ये वाली लिमिट क्या बन जाएगी, वन इंटू वन पावर जीरो, सेकेंड 2 into 1 power 1, 3 into 1 square, 2n into 1 power 2n minus 1 over, same thing you will apply here, 1 into 1 power 0, 2 into 1 power 1 beta, n into 1 power n minus 1, check karo beta, ye ban gaya 1, 2, 3 up to 2n, ये बन जाएगा 1 2 3 अप टू एन का होल स्क्वायर। बेटा एक से लेकर 2n का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 2n फैक्टोरियल, ये बेटा n फैक्टोरियल स्क्वायर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2ncn। बेटा आंसर चेक करो, बी आंसर आपका करेक्ट है, सेकंड वाला। नवीन चेक करो, सही है बेटा, समझ में आके रिपीट की जरूरत नहीं है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस एक्स पावर 2n, अलग अलग बेटा क्लब करके हमने स्टैंडर्ड लिमिट लगा दिया। अब देखो जरूरी नहीं है, यू विल हैव टू अप्लाई आई वुड से LH रूल, कहां पर कौन सी चीज यूज आ जाए सिंपल कर दे, यू डू नॉट नो। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ बच्चे जल्दी। बेटा 40 तो कम से कम खत्म करूंगा ही करूंगा मैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, गौरव मुकुल रिप्लाई करो। 23 चलिए, प्रॉब्लम नंबर 23, फाइंड लिमिट एक्स गोज टू इंफिनिटी 2 + 2x प्लस साइन 2x, 2 + 2x प्लस साइन 2x ओवर 2x प्लस साइन 2x इनटू ई पावर साइन एक्स, राइट। अब जब भी आप बेटा x गोज टू इनफिनिटी करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर, यहां पर 1 है, पहले आप x से डिवाइड करो, then I will tell you, ये बेटा बनेगा 2 by x plus 2 plus sin 2x by x over, ये बन गया 2 plus sin 2x by x। इसको बेटा ऊपर शिफ्ट करो, e पावर कितना आपका माइनस साइन x। अब आप चेक करो बेटा, ये किसको टेंड करेगा, जीरो को। हु विल टेल मी व्हाट इज लिमिट एक्स गोज टू इनफिनिटी साइन 2x by x। बेटा अगर ये टेंड टू जीरो होता तो मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करता,
परंतु इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट एक्स गोज टू इनफिनिटी साइन टू एक्स, इसके बेटा दो पार्ट करूंगा, लिमिट एक्स गोज टू इनफिनिटी कितना आपका 1/x। अब आप चेक करो, अगर x गोज टू इनफिनिटी होगा तो बेटा ये नंबर कहां से कहां ऑसिलेट करेगा, -1 to 1 इनटू 1/∞ बिकम 0, बेटा एनी नंबर फ्रॉम -1 to 1 इनटू 0, तो आंसर कितना आ गया 0, ये लिमिट 0 बेटा, ये लिमिट आपकी 0। बट जो मेन काम हम आपको बताना चाह रहे हैं वो समझे, x टेंड टू इनफिनिटी है राइट, तो sin x की वैल्यू बेटा -1 से 1 ऑसिलेट करेगी मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस साइन एक्स भी -1 से 1 होगा, तो ई पावर माइनस साइन एक्स ये बेटा वेरी करेगा ई पावर -1 से 1, क्योंकि ये आपका बेटा फिक्स नहीं है, ये -1 to 1 ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है ये आपकी वैल्यू बेटा वेरी करेगी 1/e से e पावर 1 राइट, ई पावर 1, ये आपका 0, ये 0, 2 कैंसिल, तो ये बेटा बनेगा 1 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग फ्रॉम 1/e to e। मैंने आपको ये बताया था कोई लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, एग्जिस्ट का मतलब होता है रियल, डेफिनेट एंड फाइनाइट। अब आप चेक करो, एक क्वांटिटी 1/e से e वेरी कर रही है, फिक्स नहीं है, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर चेक कर बेटे, सही है सर, मतलब ये प्रॉब्लम मुश्किल नहीं कह सकता, थोड़ी ट्रिकी तो है इतना तो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए। 26 किसी और बच्चे की प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो बच्चे। पुनीत, खुशी, संगम, देखो बच्चे, दिस इज गुड प्रॉब्लम। इफ लिमिट एक्स गोज टू एन गोज टू इंफिनिटी, लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी एन इंटू 3 power n, लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी एन इंटू 3 power n ओवर एन इंटू x minus 2 power n plus n into 3 power n plus 1 minus कितना आपका 3 power n equal to 1/3। बेटा क्या कहना चाह रहा है, पहले मैं प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ। बेटा लिमिट n goes to infinity n into 3 power n over n x minus 2 power n plus n into 3 power n plus 1 माइनस 3 power n, ये आपकी दे रखी 3 1/3। व्हाट n इज सम नेचुरल, फाइंड द रेंज ऑफ x। बेटा एक चीज मुझे समझ में आ रही है, अगर n गोज टू इंफिनिटी होगा तो 3 power n विल टेंड टू इंफिनिटी, n इनटू 3 power n ये टेंड टू आपका इंफिनिटी होगा, तो आप क्या करें बच्चे, जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना डिवाइडिंग बाय हाईएस्ट पावर, यहाँ पर डिवाइड करो n इंटू 3 power n से। क्या करना चाह रहा हूँ बेटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n इंटू 3 power n, दिस विल बिकम लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1/, बेटा n कैंसिल हो गया, 3 power n को यहाँ एडजस्ट करो, x माइनस 2/3 power n, ये बेटा n कैंसिल, 3 power n कैंसिल, तो ये बन गया 3, यहाँ पर 1/n। गौरव यहाँ तक दिमाग चल रहा है बच्चे? बेटा जैसे आप एल्जेब्राइक में करते हैं ना डिवाइडिंग बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, डिवाइडिंग बाय n इनटू 3 power n। अब आप सोच के देखो, n गोज टू इंफिनिटी होगा, ये पार्ट टू टेंड टू 0 होगा, दिस पार्ट विल टेंड टू 0, अगर ये पार्ट भी 0 को टेंड करे सपोज, तो ये आपके लिमिट बन जाएगी 1/3, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब गिवन लिमिट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x माइनस 2/3 power n
विल टेंड टू जीरो। गौरव पहले तो ये समझ में आ गया जो मैंने बताया, बेटा कोई नंबर अगर ये जीरो को टेंड करे, सपोज करो बेटा किस बच्चे ने लेफ्ट किया, मैं अटेंडेंस दोबारा लेता हूँ, इतनी किसी बच्चे की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरी क्लास को कोई बंद करे, अटेंडेंस दोबारा लगवाए। अक्षय एब्सेंट, अलका यस सर, अंजू एब्सेंट, दीपांशु एब्सेंट, ध्यानचंद्र यस सर, सुबह लेट आया बेटा, गौरव दीपक, गौरव यादव लड़का एब्सेंट, हर्ष मनोज यस सर, हर्ष जितेंद्र प्रेजेंट सर, कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा एक मिनट के लिए भी, जतिन जतिन ये लड़का गड़बड़ करता है, खुशबू ये एब्सेंट, खुशी वन प्रेजेंट सर, तू ये अटेंडेंस रिकॉर्ड, मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड पेरेंट्स से शेयर करूंगा पीडीएफ, एक आधे में आपको मिल जाएगा। लक्ष्य प्रेजेंट सर, मृणाल प्रेजेंट सर, मुकुल मुकुल लिया है आए तो मैं गड़बड़ कर रहा है जी लड़का, नवीन यस सर, पुनित यस सर, रोहित ये एब्सेंट है दोनों लेक्चर में, संगम प्रेजेंट सर, सनी सनी, तमन्ना प्रेजेंट सर, तरुण प्रेजेंट सर, विवेक प्रेजेंट सर, मुस्कान प्रेजेंट सर। बेटा इसका लास्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, बेटा मैंने आपको ये बताया ये पूरी लिमिट 1/3 एक ही केस में जब ये 10 to 0 होगी, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस नंबर की पावर इनफिनिटी जीरो को टेंड कर रही है, तो ये आपका 0-1 के बीच में भी हो सकता है, -1 से 1 भी हो सकता है, तो x-2/3 0-1 के बीच में है, और कोई नंबर 0-1 के बीच में हो तो जैसे पावर आप इंक्रीज करोगे वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग बाय 3 -0। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अब एक बार 2 ऐड करो, मैं वो उस पे भी आ रहा हूं, आंसर आपका आ गया 2 to 5। एक मिनट, अब आप ये जरूर कहेंगे, बिल्कुल कहना चाहिए आपको कि सर ये आपका -1 to 1 क्यों नहीं लिया आपने, मैंने इसको -1 to 1 ले लिया, 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड करें, एक्स की वैल्यू आ गई -1 to 5। कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है, आई शुड टेक 0 to 1 और -1 to 1, बताइए, ये भी आंसर का पार्ट बन रहा है और ये भी बन रहा है। अच्छा यहाँ पर 2 तो क्लोज आएगा, 2 क्यों आएगा, अगर x की वैल्यू 2 हो जाए, 2-2 ये 0 ही तो पूरा 0 बन जाएगा। हाँ जी कौन सा आंसर आ रहा है, 2 to 5 या -1 to 5? सी आर है सर, है लेकिन अब मेरे को पता क्या लग रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो -1 to 1 आना चाहिए, कोई नंबर -1 to 1 लो उसकी पावर आप इंक्रीज करें वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट आई अज्यूम आंसर शुड बी सी। गौरव मतलब यहाँ तक मुझे को सी आंसर ही आएगा, नवीन क्या कहते हो, लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी बेटा, एन स्क्वायर x पावर 1/n माइनस x पावर 1/n+1, बेटा फाइंड लिमिट n गोज टू इनफिनिटी n स्क्वायर इनटू x पावर 1/n माइनस
x पावर 1 बाय n प्लस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन कितना आपका 0 राइट x इज ग्रेटर देन 0 अब इसमें हमें ये देखना है 1 बाय n ग्रेटर है 1 बाय n प्लस 1 ग्रेटर है 1 बाय n इज ग्रेटर देन 1 बाय n प्लस 1 बेटा इस प्रॉब्लम को ना थोड़ा सा मैं सिंपल करता हूं n को मैं ले लेता हूं बेटा 1 बाय t t tan to infinity नहीं 1 बाय n दिक्कत आएगी 1 बाय n प्लस 1 है ना ऐसा मत करो इसको क्योंकि यहां लिखने में आपको कोई बात चलो इसको ऐसे रखते हैं ये बेटा बन गया लिमिट n गोज टू इंफिनिटी n स्क्वायर x की पावर 1 बाय n प्लस 1 बेटा मैंने कॉमन ले लिया ये बेटा बन गया x की 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1 बेटा कोई दिक्कत यहां तक बेटा मैंने सिर्फ इस पार्ट को कॉमन लिया इफ आई विल टेक दिस पार्ट कॉमन तो ये बन जाएगा x पावर 1 बाय n प्लस 1 x की 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 राइट अगर n बेटा x पॉजिटिव है इंफिनिटी प्लस 1 आपका इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी 0 पॉजिटिव के 0 पावर 1 इसको हटा दें बेटा मैंने क्या किया गौर ऑफ लिमिट n गोज टू इंफिनिटी x पावर 1 बाय n प्लस 1 आपका 0 बन सॉरी 1 बन गया बेटा ये समझ में आ गया जो पार्ट सिंपल हो सकता है उसको हम जरूर करें x पावर 1 बाय n माइनस इनका बेटा एलसीएम लो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा n प्लस 1 ये आपका बनेगा 1 बाय n इनटू n प्लस 1 1 बाय n इनटू n प्लस 1 से बेटा डिवाइड और अब चेक कर बेटा मैंने क्या किया बेटा n इनटू n प्लस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया अब जो नंबर बेटा x की पावर में है वही अपॉन में आ रहा है अगर n गोज टू इंफिनिटी होगा तो 1 बाय n इनटू n प्लस 1 दिस विल टेंड टू कितना आपका बेटा 0 जो नंबर x की पावर में आ रहा है वही अपॉन में आ रहा है और ये लिमिट फिर कितनी बन जाएगी आपको ध्यान है बेटा a पावर x माइनस 1 ओवर x x टेंड टू 0 तो फर्स्ट लिमिट आपकी बनेगी log x और यहाँ पर आपका बनेगा बेटा ये आपने किया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x ये बच्चे होता है log of a देखो x a इसकी पावर में जो नंबर है वो अपॉन में आ रहा है और ये नंबर टेंड टू 0 है तो log x जैसे a होता था ये आपका है लिमिट n गोज टू इंफिनिटी n स्क्वायर बाय दिस ऊपर नीचे n से डिवाइड करो इफ n इज n गोज टू इंफिनिटी ये आपका 0 तो आंसर बन जाएगा log x इनटू 1 तो आंसर आपका आएगा log x बेटा समझ में आ गया आंसर चेक कर लो सी आर सही है सर नेक्स्ट 29 सी प्रॉब्लम नंबर 29 देखो बच्चे fx इक्वल टू बेटा जरा थंब लगा के बताएं समझ में आ रहा है थंब लगाएं बच्चे अलका खुशी मृणाल ने यस कर दिया और कितने बच्चों को अलका ने यस कर दिया तो 6 बच्चे हो गए 6 ओनली लक्ष्य खुशी टू हर्ष इनको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब गौरव ध्यानचंद्र को समझ में नहीं आ रहा नवीन को तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल जमीन को जब आ ही नहीं रहा तो फिर हम क्या कर रहे हैं पहले तो ये बताओ चलिए बेटा रिप्लाई कर दिया करो लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स बेटा एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम लॉगरिथम बेस ई लॉग एक्स पावर 4 प्लस ई पावर 2x राइट आपने क्या निकाला है फाइनल लिमिट x गोज टू इंफिनिटी ऑफ fx बेटा ये आपको लिमिट निकालनी है सबसे पहला काम मुझे बताइए लिमिट की फॉर्म क्या है एनीवन इन द क्लास
बेटा अगर x tend to infinity है, sorry, x goes to infinity, तो x square infinity e power x infinity, log infinity infinity या आपका infinity, तो ये form आपकी क्या है बेटा? Infinity by infinity. If form is infinity by infinity, then what I can do beta? इसको मैं क्या लगाऊंगा? LH rule. Applying LH rule. So this is limit x goes to infinity. Beta log u derivative कितना होगा? 1 by u. U further derivative. 2x plus e power x. यहाँ पर लीजिए 1 by u. And u further derivative 4x cube plus e power 2x into 2. आप इसकी बेटा शिफ्टिंग करें, limit x goes to infinity x 4 plus e power 2x over x square plus e power x. यहाँ पर आपका आ गया 2x plus e power x over 4x cube plus 2 into e power 2x. बच्चा मुझे बता सकते हैं what is the form of this limit? अच्छा, what is degree of numerator? आप e power को बेटा छोड़ दें. देखो, x4 into x, x5, x square into x cube. क्या करें बेटा? x power 5 से divide करें ऊपर नीचे. यहाँ x4 adjust करो. अब ये problem बेटा बहुत बढ़िया problem हो गई. बेटा e पावर 2x 3x से डिवाइड करो इसको. आप ऐसा करो गौरव, इसको हम क्या कर रहे हैं, e पावर 3x से डिवाइड करो. यहां पर e पावर 2x एडजस्ट करो. राइट, और यहां पर 2x ओवर e पावर x प्लस 1. यहाँ पर आपका x square over e power x plus 1. यहाँ 4x cube by. पहले तो बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? बेटा मैंने e power 3x से डिवाइड किया. यहाँ e power 2x adjust, यहाँ e power x. यहाँ ex, यहाँ पर e power 2x. कोई बच्चा मुझे बता सकता है? What is limit x goes to infinity? x4 by e power 2x. ये चेक करो बेटा, फॉर्म आपकी आ रही है इनफिनिटी बाय इनफिनिटी. अप्लाइंग LH रूल, अप्लाइंग LH रूल. अब आप चेक करो x4 का डेरिवेटिव 4x cube, e power 2x का डेरिवेटिव e power 2x into 2. बेटा अगेन ये गौरव इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है. इसको आप चार बार लगाइए. अगर आप इस रूल को चार पर लगाएंगे, ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 16 इनटू e पावर 2x. राइट, ये बेटा कांस्टेंट, ये e इनफिनिटी इनफिनिटी, तो आंसर कितना बनेगा? 0. इट विल बिकम 0 प्लस 1. यहां पर भी आप एलएच रूल लगाओ, ये बन जाएगा 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 0 प्लस 2. आंसर आपका बेटा 1/2 आएगा. और अब दिमाग चल गया बेटा. आपने ध्यान ये रखना है, लिमिट x goes to infinity x पावर n ओवर e पावर x आपका 0 होता है. अरे याद रहेगा बच्चे, n आपका बेटा नेचुरल नंबर है. बेटा आप ये बताइए, फॉर्म आपकी इनफिनिटी बाय इनफिनिटी है. अगर आप पहले एलएच रूल लगाएंगे, x पावर n का डेरिवेटिव होगा n into x पावर n minus 1. इस प्रोसेस को n पर लगाएं, नीचे आपका e पावर x ही रहेगा, ये बन जाएगा इनफिनिटी. नॉन जीरो बाय इनफिनिटी बिकम 0. गौरव समझ में आ गया बेटा? आंसर चेक कर ले. ठीक है सर. अच्छा, नेक्स्ट पे आइए. 30. 0. देखो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 30. क्या लिखा हुआ बेटा? Find limit n goes to infinity. क्या कहना चाह रहा है? Find limit n goes to infinity 2n over
2n square minus 1 cos n plus 1 over 2n plus 1, 2n minus 1 minus n over 1 minus 2n, 1 minus 2n into n over n square plus 1. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो. देखो बच्चे, सबसे पहला काम तो ये हमें देखना है कि what is the form of this limit. बेटा मैं ये चाह रहा हूं कि यहां डिग्री 1 है या डिग्री 2 है. इसको मैं n square से डिवाइड करूं. Yes, I am trying to check the limit. यहां ऊपर नीचे n से डिवाइड करूं. 1 plus 1 by n, 2 minus 1 by n. ये बेटा स्क्वायर है, यहां 3 है. मैं अगर n square से डिवाइड भी करूं, और अब इसको तो मेरे को लग रहा है आसान सवाल हो गया. देखो अब आप चेक करो, अगर n goes to infinity है, ये आपका 0, ये आपका 0, ये 0, ये 0, ये आपका 0, right? Power upon infinity. ये बन गया 0 minus 0. देखना आंसर क्या आ रहा है. गौरव क्या आंसर आ रहा है, आंसर चेक करो. 0 ही है सर. हैं? 0 ही है. इसमें तो बेटा कोई दिक्कत. देखो, whenever degree of numerator is less than degree of denominator, और इनफिनिटी पे लिमिट निकाल ली हो तो लिमिट ऑलवेज जीरो होती है. बस ये कॉन्सेप्ट लगा इसमें तो. यहाँ पर बेटा देखो डिग्री 1, यहाँ डिग्री 2, डिग्री 2 डिग्री 3, तो इसका मतलब ये 0. यहाँ पर आपने n से डिवाइड कर. आगे चलिए फटाफट. 39 से पहले है किसी बच्चे की प्रॉब्लम? रिनाल, मुस्कान, बेटा कोई प्रॉब्लम? देखो 39, find limit x tends to 1, 1 plus sine pi into 3x over 1 plus x square over 1 plus cos pi x. Beta 1 plus sine pi 3x over 1 plus x square over 1 plus kitna aapka cos pi x. राइट सबसे पहला काम तो ये होता है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस लिमिट. अगर मैं बेटा x को 1 पुट करूं, चेक करना, 3 into 1 3, ये आपका 3 पाई बाय 2, cos 3 पाई sin 3 पाई बाय 2 होता है minus 1, ये बनेगा cos pi. फॉर्म आपकी बेटा 0 बाय 0. दिस फॉर्म इज 0 बाय 0. ये फॉर्म अगर आपकी 0 बाय 0 है बच्चे, तो मैं क्या करना चाहूंगा, दैट आई हैव टू सी. ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बेटा, एलएच रूल लगाऊं मैं? अगर एलएच रूल लगाने की कोशिश करूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, एलएच रूल लगा दो, मुझे दिखाता हूं. अप्लाइंग एलएच रूल बेटा, मेथड एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं. अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल. देखो बच्चे, 1 का डेरिवेटिव 0, cos pi x का डेरिवेटिव sin pi x into pi, 1 का डेरिवेटिव 0, sin u का डेरिवेटिव कितना बेटा, cos u, और u का फर्दर क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव. तो ddx of d pi x over 1 plus x square, right, it will become limit x tends to 1 माइनस पाई इंटू साइन पाई एक्स. ये बेटा बन गया कोस थ्री पाई एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर. बेटा थ्री पाई आई कैन टेक आउटसाइड. बेटा टाइम 9:20 हो गया. बेटा इसमें गौरव एलएच रूल लगा ले, करके देखे एक बार जरा, ठीक है मेरी बेटा. नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है तो आपके बेटा 40 तक प्रॉब्लम हो गई है. गौरव कल ये 76 तक खत्म करके चलेंगे. कहां तक बोला? 76. ओके बेटा.